राम राम सभी साथियों को। इस वक्त हम इसार में हैं और यहाँ पे एक ही स्टॉल लगी है एक्स्ट्रा पावर की। यहाँ पे अनेक तरह के इम्प्लीमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पावर टिलर, छोटे रोटावेटर होते हैं वो, और पीछे भी अनेक तरह की चीज़ें हैं। सभी की जानकारी आपको मिलेगी, बने रहिए वीडियो के साथ में ही। जो साथी चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें और दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। जो ये एक्स्ट्रा पावर है ये एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है और पता नहीं कितने इम्प्लीमेंट बनाती है छोटे छोटे। यहाँ पे इस स्टॉल के अंदर इन्होंने लगभग 30 से 40 तरह के इम्प्लीमेंट लगाए हुए हैं। सभी की जानकारी लेते हैं, कंपनी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक बार नाम बताओ अपना। सर मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं एक्स्ट्रा पावर से। एक्स्ट्रा पावर का भी 7 HP इंजन है, इसमें बेल्ट ड्राइव है, बेल्ट ऑपरेटर है सर, ये बेल्ट से ड्राइव होता है इसके अंदर। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसे ये इसका एक एक्सीलेटर है। इसका मूव करने के लिए इसको कल दबाओगे तो मूव होगा, छोड़ दोगे तो स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद इसमें इंजन है, देखो तो इटालियन मॉडल इंजन है, अलग क्वालिटी के इंजन है, ये इटालियन मॉडल के इंजन है हमारे पास कंपनी में। इसके बाद ये आ गया हमारा 5 HP डीजल में, पेट्रोल में था, ये आ गया 5 HP डीजल में हमारा। आप बोलते रहे डीजल में है, ये मेरा कंपनी से है, हैवी इंजन क्वालिटी है इसके अंदर, 5.5 HP में है ये। एक्स्ट्रा पावर का क्वालिटी का इसके अंदर ये गेयर है, ये फर्स्ट हो गया, 2 गेयर है इसके फर्स्ट सेकंड, और मूव करने के लिए इसमें कर दबाओगे और आगे चलेगा इसके एक्सीलेटर में। आगे लाइट लगी हुई है, 7 HP है, इटालियन मॉडल है, हैवी क्वालिटी का है, और इसमें नीचे है ना टायर को निकाल के हम रोटावेटर लगा सकते हैं। यहाँ पे 3.5 फुट का इसमें रोटावेटर लगेगा, 1 फुट से 3.5 फुट तक, लाइट वेट से हैवी क्वालिटी है इसका। ये बैक रोटरी प्रीमियम मॉडल है, ये बैक रोटरी में आ जाता है सर, बस रोटरी चलेगी और टायर से ऑपरेट होगा। सर इसके अंदर फर्क ये, बैक रोटरी में हम कीजिए सब्जी में जो खेती करते हैं, सब्जी की कुछ और की, उसमें हल्दी खेती करते हैं, बैक रोटरी में हम मिट्टी चटाने के लिए काम आता है, ये सिर्फ नुराई के लिए खुदाई के लिए काम आता है। यही क्वालिटी इसके अंदर है। लाइटिंग में हम इसमें रात को भी काम कर सकते हैं लाइटिंग की वजह से, वही है, हम इसको सेंटर रोटरी में भी यूज कर सकते हैं और बैक रोटरी में भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर तो खोल के यहाँ से इसको हटा के यहाँ पर सिर्फ सेंटर रोटरी हो सकता है, पीछे पंप की अटैचमेंट भी हो सकती है। इसका हैवी इंजन है, ये 12 HP का इंजन है इसके अंदर, हैवी क्वालिटी का 12 HP का इसके अंदर इंजन है, इनमें 7 HP का इंजन है पेट्रोल में, ये डीजल में है 12 HP में। ये भी लाइटिंग में है, इसमें भी 12 HP का इंजन है, कामा कंपनी का इंजन है इसके अंदर, लाइटिंग है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक स्टार्ट है ये। इसके अंदर इम्प्लीमेंट इसके अंदर लगा सकते हैं, इसमें सेंटर रोटरी है और ये बैक रोटरी है, ये दोनों बैक रोटरी में भी सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको सिर्फ सेंटर रोटरी हम यूज़ कर सकते हैं। और पीछे वाला ये है, पीछे वाला हम इसके साथ अटैचमेंट, कोई भी इनके साथ अटैचमेंट लगा सकते हैं, 3 प्लाऊ है, प्लाऊ है, सिंगल रेजर रेजर कुछ भी लगा सकते हैं इसके साथ। सर ये हमारे पंप है, इसमें इंजन 7 HP का इंजन लगा हुआ है, हम इसको वॉशिंग में ले सकते हैं, स्प्रे करने के लिए खेतों में यूज़ कर सकते हैं, ये हैवी क्वालिटी के, ये इससे कम प्राइस में है, ये इससे छोटा इंजन सेम है और ये जो पंप है ये छोटा है, एक इसमें हमें एक्स्ट्रा पावर का पंप है और सेट ऊपर है, ये क्वालिटी है सबसे हैवी क्वालिटी का सर, 80 नंबर पंप है ये। ये सारे वो स्प्रे के लिए, स्प्रे के लिए है, या हम किसी को वॉशिंग के रूम में भी इनको यूज कर सकते हैं। ये सब फीड मशीन है, फीड मशीन पशुओं का चारा बनाने के लिए है, जैसे कोई चीज़ को मिक्स करा कर हम 2-3 आइटम उसके अंदर मिक्स करके है ना बना देते हैं, और जो उसके अंदर जाली लगी हुई है वहाँ से फीड बन के यहाँ से बाहर निकलेगा सर। इसके बाद ये चाप कटर आ गए सर, ये पशुओं का चारा काटने के लिए हम किसी भी प्रकार का चारा इसे काट सकते हैं, इसमें अंदर ब्लेड लगे हुए, ब्लेडों को घिसाने के लगाने के लिए दोबारा से इसमें हम उसको ब्लेड को लगा के कर सकते हैं। इसके बाद ये सब हमारे पास नई क्वालिटी आई, इसके बाद हमारी ये नई प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया कंपनी ने, ऑटोमेटिक ग्रेन ग्राइंडर, हम इसको किसी भी बर्तन या किसी कट्टे में रख देंगे तो ऑटोमेटिक ये दाने उठाएगी और यहाँ से आटा को बाहर निकालेगी, ये हमारा अभी लॉन्च हुआ है। इसके बाद ये फ्लोर मिल ग्रेन ग्राइंडर, ये आगे
आटा उटा पीसने के लिए और ग्राइंडर करने के लिए मसाले मसूले पीसना है, कोई हल्दी नमक मिर्च जो को पीसने के लिए है, ये बात चावल के लिए आ गई है, मैं चावल निकालने के लिए है। यहाँ से करो, हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं चावल चावल निकालने के लिए, पॉलिश कितनी पॉलिश हमें चाहिए, कितनी कम ज़्यादा पॉलिश करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये कंबाइन राइस मिल आ गई, वो दोनों सेटअप अलग अलग थे और ये दोनों एक में अटैच किया हुआ है दोनों का, दोनों इसमें भी सेम वही काम है दोनों का। ये है ब्रश कटर, धान कटाई करने के लिए, क्रॉप फसलों की कटाई करने के लिए, खेतों में उगाने के लिए। ये है बैक पैक, ये साइड में का ये पैक है पीठ पे लटका के, हम इसको आसानी से कर फसल की कटाई कर सकते हैं। ये साइड पैक है वो चीज़ है। ये सब रीपर है, क्रॉप रीपर बोलते हैं इसको, हम फसलों की कटाई के लिए धान गेहूं जो ज्वार जूर का कुछ मक्का मक्का काटने के लिए है हम इसको यूज़ करते हैं। तो 7 HP का इटालियन मॉडल इंजन लगा हुआ है और ये पैडी ट्रांसप्लांटर है जो हम इसको धान की रुपाई करने के लिए, धान लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, धान की रुपाई के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, धान लगाते हैं यहाँ पर रखना। और जो हमारे 6 रो में इसका एक बार करने के बाद 6 रो में हमारी लगाते चले जाएगी इसकी, ये कंपनी ने नया लॉन्च किया है सर। ये कंपनी का सबसे छोटा प्रोडक्ट है, इसको हम खेतों में सब्जी सुब्जी में कुछ और बागवानी में यूज करते हैं, जो रोटावेटर को थोड़ी जगह पर हम सब्जी के बीच में मेड़ बनाने के को करने के लिए, ऐसे ही हम इसको सब्जियों में उसमें यूज करके फसलों की जो बीच में जो खरपतवार हो रहा है उसको हटाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद ये टीलिंग विलिंग ब्लेड आ गए ना, जो ये हमारा ये प्रोडक्ट है सब्जियों में गुड़ाई के लिए खेतों में नरमा में यूज करते हैं, हम इसको ब्लेड को यहाँ से हटा के इसमें ये अटैचमेंट भी लगा सकते हैं गुड़ाई के लिए, ये टीलिंग के लिए है। इसके बाद ये माइक्रोफोर्स आ गया हमारा, इसमें टीलिंग वीडिंग ब्लेड लगे हुए हैं खेतों में जो नरमे में खुदाई के लिए सब्जियों में खुदाई के लिए इन प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। ये वुड चिपर है, लकड़ी का बुरादा बनाने के लिए हम यहाँ से लकड़ी का डालेंगे और आगे से वहाँ से बुरादा निकलेगा। कितनी मोटी लकड़ी डाल सकते इसमें हम, कम से कम 1.5-2 इंच तक मोटी लकड़ी डालेंगे तो आगे बुरादा बना के आगे नरमे की लकड़ी हाँ कोई भी लकड़ी हो। ये हमारी एक्स्ट्रा पावर की टंकी है 4 स्ट्रोक, इसमें 4 स्ट्रोक इंजन है, 25 लीटर इसकी कैपेसिटी है पानी की और ये हमारी बहुत हैवी क्वालिटी है, ये सब्सिडी अप्रूव्ड है हमारे प्रोडक्ट की। उसके बाद ये हमारे अर्थोगर आ जाते हैं, अर्थोगर है ज़मीन में गड्ढा करने के लिए, इसमें बिट लग जाती है, 300 mm की बिट है, 200 mm की बिट है, 100 mm की बिट है, हम कोई भी जिस हिसाब से हमें गड्ढा करना होता है ना उस हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं अर्थोगर। और ये है चाय पत्ती काटने के लिए या लोन पे मोर गो करने के लिए, ऊपर मेड बनाने के लिए। और ये है इलेक्ट्रिक टी हार्वेस्टर है, हम चाय पत्ती काटने के लिए ऊपर से इसको ऐसे इलेक्ट्रिक से चलता है। ये हमारे चैनसो है, केजाई मॉडल है, 22 इंची के चैनसो है ये, 22 इसमें 2 स्ट्रोक इंजन है। और ये इसके बाद ये हमारा स्मो प्लस में आता है, एग्रीकट में आता है, हैवी क्वालिटी का है, स्मो प्लस के नाम से है एक्स्ट्रा पावर का। और ये भी 22 इंच चैनसो है, बहुत हैवी क्वालिटी के चैनसो है। इसके बाद ये वाटर पंप आ जाते हैं, ये 1.5 इंची वाटर पंप है जो पानी की कैपेसिटी है कम से कम 15-20 फीट आगे पानी की कैपेसिटी, नीचे से लेके ऊपर तक 20-25 फीट ऊपर आगे पानी सप्लाई करते हैं। ये 10 इंची 1 इंची वाटर पंप है। इसके बाद ये 2 इंची वाटर पंप आता है हमारा, इसमें हैवी इंजन लगा हुआ है, एक्स्ट्रा पावर का इनपुट और आउटपुट है, ये कम से कम 20-25 फुट नीचे से पानी घट के 20-25 फुट आगे पानी की ओर धकेलता है। ये 3 इंची वाटर पंप आ गया हमारा, इसमें इटालियन मॉडल के इंजन लगे हुए हैं और 3 इंची इसका वाटर पंप प्रेशर है जो नीचे से 20-25 फुट नीचे से निकालते हैं और 20-25 फुट आगे से धकेलता है। ये इटालियन मॉडल का इंजन है, हम किसी भी वीडर पे या फिर पंप पे हम इसको अटैच कर सकते हैं। कंपनी का सर अब ये एड्रेस है हमारा जो हाई भी सभी का एड्रेस है हमारा कंपनी का, BSM इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक्स्ट्रा पावर दिल्ली, हमारा जो नई दिल्ली हिसार और बेंगलोर में प्रोडक्ट है। और ये मोबाइल नंबर इसका ये है सर, ये हम ईमेल कर सकते हैं।
इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर का बड़ा बड़ा धन्यवाद। आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।